मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं चंचला मैम आज आप लोगों को क्लास टेंथ की हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें देखिए चैप्टर जो है स्वयं प्रकाश के द्वारा लिखित चैप्टर है नेताजी का चश्मा। इस कहानी में कुछ कठिन शब्द भी हैं, जिसके शब्दार्थ जो है मैं आपको सामने बोर्ड पर लिख चुकी हूँ, आप इसे नोट कर सकते हैं। और चैप्टर की संक्षिप्त में कहानी बताने से पहले मैं लेखक परिचय बता देना चाहती हूँ, थोड़ा संक्षिप्त में लेखक परिचय सुनिए। पहले स्वयं प्रकाश जो है, इनका जन्म जो है इंदौर में हुआ था, मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। और इन्होंने राजस्थान से शिक्षा इन्होंने ग्रहण की, उसके बाद में मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद में ये कहीं नौकरी भी करने लगे। और उसके बाद में ये वसुधा नामक पत्रिका के संपादन किए। अपनी नौकरी से मतलब कि अवकाश ग्रहण करने के बाद या सेवानिवृत्त होने के बाद भी ये वसुधा नामक पत्रिका का संपादन किए। इन्होंने साहित्य के माध्यम से नव जागरण यानी मतलब कि जनता में सामाजिक संदेश के या सामाजिक शोषण के खिलाफ कहिए या फिर दलित वर्गों के शोषण के खिलाफ कहिए, या मतलब कि इस तरह से उन्होंने मतलब कि अपनी लेखन का विषय सामाजिक शोषण ही बनाया। और इस तरह वे मतलब कि समाज में हो रहे शोषण, मध्यम वर्गीय परिवार का वह सबसे बड़ा सूचित्रक थे। और मध्यम वर्गीय परिवार में किस तरह से मतलब कि जैसे लिंग भेद के अनुसार शोषण होता है, जाति धर्म के अनुसार कुछ जो है उन्होंने अपनी कहानी में बहुत सुंदर ढंग से दर्शाया। उनकी कहानी का विषय जो है वह सामाजिक शोषण ही है। उसके बाद में वह अपनी कहानी सरल एवं साधारण भाषा में लिखा है। उन्होंने अपनी कहानी में कहीं कहीं उर्दू फारसी तत्सम तद्भव शब्दों का भी प्रयोग किया है। इस तरह से इनकी कहानी देखी नेताजी का चश्मा। नेताजी किसको कहते हैं? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहते हैं। अब देखिए नेताजी का चश्मा, आखिर इस कहानी में ऐसा क्या है कि वह नेताजी का चश्मा जो है इस कहानी का शीर्षक डाला गया, देखते हैं। देखिए इस कहानी में वह क्या बताते हैं। लेकिन देशभक्ति, ये कहानी जो है देशभक्ति से उत्पन्न है, लेकिन देशभक्ति जो है वह किसी राष्ट्र या जाति में नहीं होती है। देशभक्ति अगर लोगों के मन में है तो हमें अपने देश के नागरिक के प्रति, अपने देश के पशु पक्षी जीव जंतु पर्वत पहाड़ सबके प्रति होनी चाहिए। और सबके प्रति हम देशभक्ति कैसे दिखाएंगे? जब हम उन सबकी सुरक्षा का ध्यान रखें। जैसे अगर मान लेते हैं कि अगर हम पशुओं का शिकार कर रहे हैं तो हमारी देशभक्ति नहीं है, उसे देश क्योंकि उससे क्या हो सकता है कि पशु पक्षी जो है वह भी हमारे देश की सुंदरता का सौंदर्यता का प्रतीक है। तो हमें भी चिंता करनी चाहिए। अगर हम नदियों को दूषित कर रहे हैं तो ये क्या हमारी देशभक्ति नहीं है? किसी भी हमें स्वच्छ, अगर जब हम स्वच्छ रखेंगे तभी वह भी हमारे देश की सुंदरता को दर्शाता है। अब देखिए इस कहानी में नेताजी को हर बार अपनी किसी कंपनी के काम से उस कस्बे से उनको गुजरना पड़ता था। और उस कस्बे के बीच चौराहे पर एक नेताजी का मूर्ति था। मूर्ति तो संगमरमर के पत्थरों का बना हुआ था, लेकिन उस पर चश्मा जो था वह मतलब सही फ्रेम वाला चश्मा लगाया था, क्योंकि चश्मा पत्थर का संगमरमर के पत्थरों का चश्मा नहीं बना था, वह सही जो फ्रेम वाला जो चश्मा होता वह लगाया गया था। ये जब भी मतलब कि उस कस्बे में छोटे मोटे स्कूल थे, एक नगर पालिका थी, उसके बाद में छोटा सा बाजार भी था, इन सब चीजों से मतलब कि होकर जब वह गुजरते तो हमेशा वह देखते जो चीज उन्हें मतलब कि हमेशा मतलब कि आश्चर्य करती कि ऐसा क्या था। नेताजी का मूर्ति जो है वह पत्थरों का बना है और वो चश्मा उस पर सही मतलब क्यों लगा हुआ है, तो सही प्रेम वाले जो चश्मा होता वह क्यों लगा है, यह बार बार उन्हें मतलब कि आश्चर्य में उन्हें डाल देता कि ऐसा क्या हो गया। कभी कभी तो वह सोचते थे कि हो सकता है कि जो कारीगर जो है वह जल्दबाजी में ऐसा किया हो, या उसके पास में चश्मा बनाना ही भूल गया हो, इसलिए बाद में चश्मा उसे पहना उन्हें पहना दिया गया। देखिए ऐसा तो बार बार वह सोचते, लेकिन वह सोचते कि फिर पूछे किसी। एक दिन वह चौराहे पर रुक कर पान खाते और पान खा के वहां से निकलते। एक दिन उस पान वाले
वाले से उन्होंने पूछ ही लिया, जब वह नहीं अपने आप को रोक नहीं पाए और पान वाले से उन्होंने पूछा कि आखिर ये मूर्ति जो है संगमरमर का है, इस पर चश्मा जो है ये सही फ्रेम वाले चश्मा क्यों लगा है, और वह भी हर रोज चश्मा का फ्रेम जो है वो बदल जाया करता था, हर रोज जब वह रोज वहां से गुजरते तो हमेशा देखते कि चश्मा का फ्रेम जो है वहां से बदल गया है, वह कभी चौकोर कभी गोल कभी लंबा, ऐसे मतलब कि फ्रेम जो हमेशा देखते रहते। तो अंत में एक दिन पान वाले से पूछ बैठे कि आखिर ये चश्मा का फ्रेम रोज क्यों बदल जाता है। तो पान वाले ने बताया, ये जो है हमारे यहाँ एक कैप्टन है जो चश्मा बेचता है, वही इस फ्रेम को रोज बदल देता है। और जब कैप्टन नाम सुने तो उन्हें नेताजी को ऐसा लगा कि शायद वह आजाद हिंद फौज का सिपाही हो या फिर कोई स्वतंत्रता सेनानी हो जिसे अपने नेताजी के या अपने स्वतंत्रता सेनानी के से मतलब कि उन्हें उनके प्रति सम्मान हो, इसलिए वह चश्मा का फ्रेम बदल देता है। लेकिन अभी वह पान ही खा रहे थे तब तक आधार साहब देख रहे हैं कि वहां से एक पतला दुबला सा व्यक्ति बहुत बुजुर्ग था और वह लकड़ी के एक मतलब कि बहंगी बनाए और उस पर चश्मा लटकाए और चला चश्मा का कुछ फ्रेम लटकाए हुए वह चला आ रहा था। पान वाले ने बताया कि देखिए सर साहब यही है चश्मा वाला। उस कैप्टन के हुलिया को देखकर वह बहुत आश्चर्यचकित हो गए और पान वाले उस कैप्टन का मजाक उड़ाते हुए जब नेताजी जब के बारे में जब उस कैप्टन के बारे में हालदार साहब जब पूछते हैं कि क्या यह आजाद ही, तो वह पान वाला उस कैप्टन का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि साहब वह लंगड़ा है लंगड़ा, वह स्वतंत्रता सेनानी कहाँ से हो सकता है, वह फौज में कैसे जा सकता है। इस तरह से हादार साहब देखते हैं कि एक व्यक्ति जो हमारे मतलब कि जिसके मन में देशभक्ति की भावना भरी हुई, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति जिसके मन में इतने सम्मान और इज्जत की भावना है और हम एक और दूसरा जो है उसकी मजाक उड़ा रहा है, इसका देखिए इसका यही मतलब कि हालदार साहब को यही लगा कि आज हमारे देश के लोगों में स्वतंत्रता सेनानी के प्रति किसी प्रकार का कोई प्रेम या सम्मान रही नहीं गया है। तब तो अगर कोई किसी के मन में अगर देशभक्ति की भावना है तो उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। देखिए इस पूरी कहानी में हालदार साहब जो है हर रोज वह चश्मा का प्रेम देखते थे, जब भी वहां से गुजरते तो कुछ देर वहां पर अपनी गाड़ी को अपनी जीप को रोकते, वहां पर उतर कर पान खाते और पान खाने के वहां से फिर नेताजी के फ्रेम को देखते और चले जाते। एक दिन एकाएक देखते हैं कि नेताजी के पर किसी भी चश्मे का कोई फ्रेम नहीं है, यह देखकर उन्हें काफी आश्चर्य होता है। और उसके बाद वो पान वाले से जब पूछते हैं तो पान वाले बताता है कि साहब वह कैप्टन जो था वह मर गया, इसलिए नेताजी के मूर्ति पर किसी प्रकार का कोई फ्रेम नहीं है। यह सुनकर हालदार साहब को काफी दुख हुआ और वह उन्होंने मन में ठान लिया कि अब जब भी वह वहां से गुजरेंगे तो नेताजी की मूर्ति के तरफ वह देखेंगे भी नहीं, क्योंकि नेताजी की वह समझ गए कि जब कैप्टन मर चुका है तो नेताजी की मूर्ति पर अब कोई चश्मा लगाने वाला है ही नहीं, तो बिना चश्मे का नेताजी की मूर्ति जो है वह अच्छी नहीं दिखेगी। इसलिए वह मन में बात को ठान लिए कि अब वह नेताजी की मूर्ति की तरफ देखेंगे नहीं और बिना वहां रुके वह वहां से निकल जाएंगे। जब वह दूसरे सप्ताह वहां से जब निकलते हैं तो वह इस बात को तो मन में पहले से ही सोच रखे थे, तो ड्राइवर से कहते हैं कि यहाँ पर आज जो है इस चौराहे पर रुकना मत और बड़ी तेज गति जीप को निकालते हुए ले चलो। लेकिन जितनी ही तेज गति में जीप जा रही थी एकाएक हालदार साहब की दृष्टि जो है वह नेताजी की मूर्ति पर जाकर पड़ती है। जब नेताजी की मूर्ति पर पड़ती है तो देखते हैं कि नेताजी की मूर्ति पर नेताजी की आंखों में सरकंडे के चश्मे बनाकर लगाए गए हैं, जो देखकर उन्होंने अपने ड्राइवर से जीप रोकने के लिए कहते हैं। और उसके बाद में मतलब कि उन्हें यह देखकर आश्चर्य होता है कि नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का बना चश्मा जो बच्चों ने लगाया है, स्कूली बच्चों ने वह मतलब कि सरकंडे के फ्रेम बनाकर और नेताजी की मूर्ति पर लगा दी, यह देखकर हालदार साहब के मन में मतलब कि
जानते हैं कि अगर हमारे देश के बड़े ही नहीं, बूढ़े ही नहीं, बच्चे, छोटे छोटे बच्चों के मन में भी देशभक्ति की भावना है, और जब देशभक्ति की भावना है तभी तो वह अपने स्वतंत्रता सेनानियों का इतना सम्मान करते हैं या उन्हें इज्जत देते हैं। क्योंकि जिस तरह से कैप्टन की मृत्यु हो जाने के बाद में नेताजी को नहीं लगता था कि वो हमारे देश के किसी भी व्यक्ति के मन में स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति कोई सम्मान या इज्जत की भावना है, लेकिन उस बच्चे को देखकर नेताजी को यह विश्वास हो जाता है, हालदार साहब को यह विश्वास हो जाता है कि हमारे देश के बच्चों के मन में भी देशभक्ति की भावना है। इस पूरी कहानी में बस देशभक्ति की भावना को दर्शाया गया है कि स्वतंत्रता सेनानी के प्रति हम लोगों के मन में कितनी देशभक्ति है। जो स्वतंत्रता सेनानी अपने हम लोगों को आज़ादी दिलवाने के लिए अपने जीवन को उन्होंने मतलब कि बिल्कुल होम कर दिया, बिल्कुल लुटा दिया, अपने जीवन को उत्सर्ग कर दिया, अपना सुख दुख अपना सब कुछ लुटाकर हम लोगों की आज़ादी दिलवाने के लिए वह अपने प्राण को त्याग कर चले गए। और आज ऐसी स्थिति है कि देशवासी जो है वैसे ही स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति उन देशवासियों के मन में देश प्रेम की भावना जागृत नहीं होती। ये सब देखकर नेताजी को काफ़ी दुखी हुए, हालदार साहब काफ़ी दुखी हुए, लेकिन वह बाद में जब बच्चों को देखते हैं कि सरकंडे का चश्मा बनाकर नेताजी की मूर्ति पर जब पहनाया जाता है तो उन्हें देखकर काफ़ी खुशी मिलती है कि हमारे देश के बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके मन में भी देशभक्ति की भावना भरी हुई है। और ये पूरी कहानी जो है मैं आप लोगों को संक्षिप्त में बता चुकी हूँ, इसके आप लोग इसे बोल